Hello guys, if we want to improve economy of any country, then we have to improve the transportation system so that it will be more efficient. So today we will cover the topic of PM Modi new inauguration on dedicated freight corridor section. तो हम इस बारे में डिटेल में जानेंगे. वीडियो को एंड तक देखिए और अपने व्यूज शेयर करना ना भूलें. और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट 17 ईयर्स बिफोर नाउ, इंडिया में जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता था उसमें अप्रॉक्स 65-70% ट्रांसपोर्टेशन रेलवेज के थ्रू होता था. एंड आफ्टर सम टाइम रेलवेज में इनएफिशिएंसी के कारण ये रेट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम होता गया, लाइक सब्सिडी ऑन पैसेंजर ट्रेन्स. एंड ड्यू टू दिस पैसेंजर ट्रेन्स के चार्जेस ड्रॉप हुए और गुड्स के लिए चार्जेस बढ़ गए. एंड नाउ इन प्रेजेंट टाइम इफ वी सी देन इट्स रिवर्स. सिर्फ 25-30% ही ट्रांसपोर्टेशन ट्रेन्स के थ्रू होती है एंड बाकी का पार्ट रोड्स के थ्रू होता है. सो ड्यू टू दिस गवर्नमेंट केम विद दिस न्यू प्लान इन विच गवर्नमेंट इज सेइंग दैट 2030 तक ट्रांसपोर्टेशन 50% थ्रू रेलवेज हो. सो इसके लिए गवर्नमेंट ने प्लान किया एक स्पेसिफिक फ्रेट कॉरिडोर बनाने को जिस पर सिर्फ गुड्स वाली ट्रेन्स यानी कि मालगाड़ी ही चला करेंगी. उसके लिए एक अलग से ट्रैक तैयार होगा. सो फर्स्ट टाइम इन इंडिया इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का इनॉग्रेशन पीएम मोदी ने किया है, जो कि बेसिकली ईस्टर्न कॉरिडोर का एक पार्ट है, 300 किलोमीटर के आसपास है. न्यू खुर्जा टू न्यू भाऊपुर वाले सेक्शन को इनॉग्रेट किया है पीएम मोदी ने. सो आगे बढ़ने से पहले लेट्स डिस्कस व्हाट इज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर. डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मीन्स जो गुड्स वाली ट्रेन्स होती हैं जो कि मालगाड़ी होती हैं उस ट्रैक पर सिर्फ वही ट्रेन्स चलेंगी. तो उसके लिए अलग से कॉरिडोर बनाना उसे कहते हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर. तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. फर्स्ट इज लॉजिस्टिक्स कॉस्ट. सो जैसे कि हमें पता है जब हम गुड्स ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो उसकी कॉस्ट थ्रू ट्रेन्स बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए रोड्स के थ्रू इसे ट्रांसपोर्ट करा जाता है. तो फ्रेट कॉरिडोर से गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा. सेकेंड इज फास्टर ट्रांसपोर्टेशन. सो जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको कि एक स्पेसिफिक ट्रैक बनेगा गुड्स वाली ट्रेन्स के लिए, तो ये ऑब्वियस ही बात है उसकी ट्रांसपोर्टेशन जल्दी होगी क्योंकि उस ट्रैक पर कोई और ट्रेन नहीं चलेगी, जिससे गुड्स वाली ट्रेन्स को वेट नहीं करना पड़ेगा. थर्ड इज एफिशिएंसी. सो पिछले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि गुड्स ट्रेन को वेट नहीं करना पड़ेगा, सो इससे ट्रेन्स की एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगी. फोर्थ पॉइंट इज एनवायरनमेंट फ्रेंडली. सो लास्ट पॉइंट में मैंने बताया एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ रही है, सो ड्यू टू दिस ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा क्योंकि एनर्जी कंजप्शन भी कर रहे हैं. एंड लास्ट पॉइंट इज एम्प्लॉयमेंट. सो अगर किसी चीज़ को हम अगर डेवलप करते हैं तो ऑब्वियस ही बात है उसमें एम्प्लॉयमेंट का रोल ही होगा और तभी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा. सो एज वी नो इन इंडिया बहुत जगह फ्राइट कॉरिडोर बनाने की प्लानिंग हो रही है, तो इनके डेवलपमेंट के लिए एक कंपनी भी है जो है DFCCIL विच इज डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. इट इज ऑपरेटेड बाय रेलवे मिनिस्ट्री. तो इसका मेन काम है जो कॉरिडोर्स बन रहे हैं उनकी डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस है, इन सबको ये कंपनी एंगेज करेगी. सो बात करते हैं कि कहाँ कहाँ कॉरिडोर्स बनाने की बात चल रही है. दो कॉरिडोर्स की प्लानिंग हो रही है, फर्स्ट इज वेस्टर्न कॉरिडोर एंड सेकेंड इज ईस्टर्न कॉरिडोर. सो इफ यू टॉक अबाउट ईस्टर्न कॉरिडोर तो इसका लेंथ सबसे बड़ा है, दैट इज 1856 किलोमीटर्स. ये कॉरिडोर लुधियाना से स्टार्ट होगा जो कि पंजाब में है एंड दनकुनी पर एंड होगा जो वेस्ट बंगाल में. इन वेस्टर्न कॉरिडोर इट्स लेंथ इज 1540 किलोमीटर्स. ये दादरी से स्टार्ट होगा जो दिल्ली के पास है और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर एंड होगा. अब इसके अलावा तीन और कॉरिडोर्स भी बनाए जा रहे हैं. एक है फ्रॉम दिल्ली टू विजयवाड़ा, सेकेंड इज फ्रॉम मुंबई टू वेस्ट बंगाल एंड थर्ड इज फ्रॉम चेन्नई टू गोवा रेलवे कॉरिडोर. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट हैज हैपेंड. सो पीएम मोदी वर्चुअली इनॉग्रेट अ सेक्शन ऑफ द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ऑन 29th December. जो ईस्टर्न कॉरिडोर हमने डिस्कस करा है उसका एक पार्ट है न्यू खुर्जा टू न्यू भाऊपुर. इसकी लेंथ जो बताई जा रही है वो है 351 किलोमीटर्स. तो इसका इनॉग्रेशन किया गया है वर्चुअली मीटिंग में पीएम मोदी ने. तो इस पार्ट में अब गुड्स वाली ट्रेन्स विदाउट एनी डिस्टर्बेंस चलेंगी. द सेक्शन इज बिल्ट एट अ कॉस्ट ऑफ 5,750 करोड़ रुपीज एंड वर्ल्ड बैंक ऑल्सो फंडेड इन दिस प्रोजेक्ट. तो इसमें यह भी बताया जा रहा है कि इस ट्रैक में 68 लेवल क्रॉसिंग्स को रिमूव कर दिया है जिसकी वजह से सेफ्टी रहेगी और स्पीड भी अच्छी होगी. और इसके साथ साथ इस सेक्शन में 19 मेजर ब्रिजेस, 414 माइनर ब्रिजेस एंड 7 रेल फ्लाईओवर्स भी बनेंगे. इस सेक्शन के सिविल वर्क को टाटा एल्डेसा JV संभालेगी और सिग्नल एंड इलेक्ट्रिकल वर्क को फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम संभालेगी.
अब इस सेक्शन पर पहले गुड्स ट्रेन की स्पीड 25 टू 30 किलोमीटर पर आवर होती थी, बट अब इसकी स्पीड 60 टू 70 किलोमीटर पर आवर तक होगी। अब इस सेक्शन में बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी आती हैं जिनको अब सप्लाई करने में भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एंड मोर ओवर एन ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर विल ऑल्सो बी इनॉग्रेटेड एट प्रयागराज इन यूपी, जो कि इस पूरे कॉरिडोर को कंट्रोल करेगी और मेंटेनेंस भी देखेगी। So thanks for watching the video. See you guys in the next one.